एटा जिले के कस्बा मरहची में जिन्होरा रोड स्थित नई बस्ती में 26 अक्टूबर को एक महिला को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी थी। घटना की सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने घायल को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया था, जहां पर हालत गंभीर होने पर उसे आगरा रेफर कर दिया गया था। इसके बाद उसकी हालत गंभीर बनी रही और 5 दिसंबर को उपचार के दौरान आगरा में महिला की मौत हो गई। जैसे ही मौत की सूचना परिजनों को मिली तो परिजनों के साथ साथ गांव वाले भी आक्रोशित हो गए और वो थाने का घेराव करने लगे। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के नेता और दूसरे लोग भी मौजूद रहे। इसके बाद ग्रामीणों ने आगरा बरेली फोर लेन पर मृतका का शव रखकर जाम लगा दिया। इस दौरान करीब 4 घंटे तक हाईवे पर वाहनों का आवागमन ठप रहा। हाईवे पर लंबी लंबी वाहनों की कतारें लग गईं। आने जाने वाले वाहनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। नई बस्ती में ग्राम पंचायत नगला श्याम के गांव नगरिया के रहने वाले दुष्यंत अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। त्योहार नजदीक आने के चलते दुष्यंत अपनी पत्नी बीनू के साथ कमरे की खिड़की में पेंट कर रहे थे, तभी करीब 10 बजे किसी अज्ञात ने उनकी पत्नी को गोली मार दी। गोली बीनू की रीढ़ की हड्डी में लगी, जिससे वह घायल होकर गिर गई। पड़ोसियों ने गोली की आवाज को बच्चों के पटाखे का चलाना समझा, लेकिन रोने चिल्लाने की आवाज पर पड़ोसी आए तो मामला कुछ और ही था। आनंद फानंद में उन्हें जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया। गंभीर हालत देखते हुए उन्हें आगरा ले जाया गया, जिसके बाद उनकी 5 दिसंबर को मौत हो गई। इसी कड़ी में ग्रामवासी और परिजन नाराज हो गए और यह जाम लगवा दिया। जाम खुलवाने के लिए प्रशासन द्वारा कई बार वार्ता की गई, काफी मशक्कत के बाद जाम खुला। इसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। आप देख रहे थे एटा से सोनू यादव की रिपोर्ट।